छापी थी। सब भाई बहन एक ऐसी
महान विभूति को, एक ऐसी महान शख्सियत को, एक ऐसी पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं तो कहूंगा कि वो इंसान नहीं, फरिश्ता था। जब महाजन भवन हरिद्वार बनने जा रहा था, सबसे पहले इन्होंने कहा कि भवन में मंदिर बनेगा, जितने पैसे लगेंगे मैं उनको। हमारी मथुरा सभा के कई साल ये प्रधान रहे। श्री दीन बंधु श्री दीनानाथ महाजन जी की शोक सभा में उपस्थित, शोक संतप्त मेरे बहुत ही आदरणीय भाई और बहनों और उनके बड़े होनहार सुपुत्र, जो अपने पिताजी के नक्शे कदमों पे चलते हैं श्री मोहित महाजन जी, उनकी तरफ से भी आप सबका धन्यवाद करता हूं कि इस शो की घड़ी में आप हमारा ध्यान बनाने के लिए आए हो। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि किन शब्दों से मैं आपका धन्यवाद करूं। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि समय आगे ही बहुत हो गया है, मैं एक बार फिर आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि समाज के अंदर अगर वो डीडी है, अगर किसी को किसी भी तरह की जरूरत है, वो कृपया जब मर्जी जिस समय चाहे श्री मोहित महाजन जी या गोल्डन शिक्षा संस्थान के पास आ सकते हैं, उनके हर प्रकार से सहायता की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
Guru Maharaj, Guru Jai Jai, Om Namah Shivaya.
मुझ पे दया करो,
तुम मेरे साईं अमान।
वही जाकर बस जाएंगे हम, अकेले पड़ जाएंगे हम। साईं अकेले पड़ जाएंगे हम, साई रहना हमारे संग। कोई दो दिन का रिश्ता नहीं है, कई जन्मों का तुझसे है बंधन। अकेले पड़ जाएंगे हम, साई रहना। मैं कहा कि हिंदुस्तान के कोने कोने तो महानुभाव अपने बहुत ही आदरणीय, बहुत ही प्रिय साडे मार्गदर्शक श्री दीनराज जी महाजन, जिन्हों का देहांत 8 अगस्त को होया, उन्होंने श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए दूर दराज तो सब आए ने। दीनराज जी महाजन मैं समझ नहीं लग रही मैं उन्होंने बारे गल कितों शुरू करा। मैं समझदा कि महाजन साहब एक किताब सन, ऐसी किताब जिसके हर पल्ले किस तरह संघर्ष करते हैं, मेहनत और तप करते हैं, समाज को अपना जीवन दिता जा सकता, समाज में अपना उच्च स्थान बनाया जा सकता है। एक ऐसी किताब है जिसने हर पन्ने पर लिखा है। मैं जानता असि जो बहुत छोटे बच्चे से संघ नाल जुड़े, जो राजनीति आए हले पढ़ती छेवीं की क्लास में सीगे, तो सानू माड़ा माड़ा उस होया कि जलसे जाना, राजनीतिक महफलों में शामिल होना। पहलाई ना पूछी ना जो पढ़ती छेवीं पढ़ रहे लगभग 87 दशक की गल है। असी हरमोर जब जाना उत्थे जनसंघ का मंच लग्या होना, उस मंच उत्ते माजे साहब ने कल्या कल्या बोलना शुरू करना, 5 बंदे 10 बंदे 15 बंदे 20 बंदे हौली हौली महफल लगनी ते जलसा शुरू होना। उस वेले की गल करता जो जनसंघ का कोई नाम नहीं सी लगता। फिर असी देखिया 1967 शिक्षा के क्षेत्र में आए, और अपने जानवर परिवारों के बच्चे ले 10-12 बच्चे ले गोल्डन पार्टन स्कूल शुरू किया। 60 की गल कर रहे, 10-12 बच्चे लेके स्कूल शुरू किया। उस तो बाद पब्लिक स्कूल बनया, पब्लिक स्कूल बनया, अज गोल्डन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के नाम के इस ग्रुप का नाम है, पूरे पंजाब पूरे देश में नाम है। मैं समझना कि जी संस्था 60 साल तो शुरू की अज बुलंदियों के उत्ते है, ये उन्होंने मेहनत का नतीजा है। उन्होंने होन हर सपुत्र मोहित महाजन, महाजन साहब की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णकांता महाजन, जो पग पग के उ साहब का साथ दे रहे, संघर्ष की राह से बढ़ते रहे, और उन्होंने मेहनत का नतीजा है कि अज गोल्डन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ सब पूरे पंजाब की पूरे हिंदुस्तान के नाम है। उन्होंने परिवार की फुलवाड़ी जिन्हें चुने उन्होंने बेटे मोहित महाजन, जिथे वो स्कूल इंस्टीट्यूशन बुलंदियों से लैके जा रहे हैं, समाज के हर वर्ग सेवा के क्षेत्र में जुड़े हैं, और मित्रा के मित्र ने श्रीमती
कृष्ण कालका महाजन जो पग पग के उन्होंने नाल चले, उन्होंने पुत्र वधु अनु महाजन उन्होंने भी देखा सी समाज की सेवा करते हुए काम करते हुए, उन्होंने दी बेटियां उन्होंने दवार जो डॉक्टर ने समाज में उन्होंने नाम है सब देखा। महाजन साहब के बारे जो अभी जानते हैं एक समय से जो ये धर्म बहुता मनते नहीं सी, धर्म समझे भी धर्म को मथा टेकया तो काम पूर्ण हो गया। मैं कह रहा कि नास्तिक आदमी कि नास्तिक होया 1988 में जो सैर सपाटा करने के लिए उटापटी गए उत श्री सत्य साई बाबा जी के चरणों में लगे और उन्होंने जीवन ही बदल गया। उस तो बाद धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए, सेवा के लिए जुड़ गए, वक् वक् क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। जिन्हें भी आपदा आई हैं राष्ट्रीय आपदा हो या नगर में आपदा हो उनका मुख्य तक उन्होंने योगदान रहा। नगर का कोई भी मंदिर ऐसा नहीं जिसका उन्होंने उत्थान नहीं किया। हनुमान मंदिर, गीतावन मंदिर, बाबा रूड़ापुरा, राम परिवार, राधा कृष्ण की मूर्ति और सत्य साई बाबा की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा माता की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति उस मंदिर प्रांगण के देख सकते हो। और सेवा के क्षेत्र में जो साई बाबा जी के जुड़े, सत्य साई सेवा समिति के जुड़े और इन्ना सेवा का काम किया कि विकलांगों के लिए अज तो 21 साल पहले प्रथम कैंप लगा, विकलांग केंद्र कैंप का लगा। उस कैंप तो लैके हूं तक 21 कैंप लग चुके हैं जिसमें लगभग 3400 लोग अपने आर्टिफिशियल लिम्स लैके गए हैं और जीवन में अपना वधिया जीवन बतीत कर रहे हैं। मैं किस किस क्षेत्र की गल करा, संगत ना जुड़द अनगिनत काम ऐसे ने सेवा के जोड़े उन्होंने किए। मैं अज वक् वक् संस्थावों वालों शोक प्रस्ताव आ रहे हैं, मैं सब समा तो नहीं पावगा बोलन का, लेकिन जो शोक प्रस्ताव आए हैं वो मैं पढ़ के जू सुनावगा। साढ़े पठानकोट विभाग के विभाग संचालक रमेश जी ने शोक प्रस्ताव भेजे। राष्ट्रीय सिरसत संघ जिला गुरदासपुर तो गुरदासपुर नगर तो डॉक्टर राजीव अरोड़ा जी उन्होंने शोक प्रस्ताव भेजे। विश्व हिंदू परिषद जिला गुरदासपुर तो सुनील गुप्ता जी, अखिल भारतीय महाजन श्रोमणी सभा के प्रेजिडेंट राममूर्ति जी ने शोक प्रस्ताव भेजे। शिव शक्ति मंदिर ट्रस्ट गौ गोविंद धाम नरेंद्र डोगरा जी, महाजन यूथ विंग अमृतसर तो सतीश महाजन जी ने शोक प्रस्ताव भेजे। शिव शक्ति सेवा सभा जेल रोड गुरदासपुर तो मंदिर जिदा उत्थान और पूरा निर्माण महाजन साहब ने किया उतो शोक प्रस्ताव आया। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन को रवेद सिंह सहायपुर उन्होंने शोक प्रस्ताव भेजे। टैक्सी गोपाल राय जी उन्होंने शोक प्रस्ताव भेजे। चिन्मय मिशन गुरदासपुर तो शोक प्रस्ताव आया हीरा अरोड़ा जी ने भेजे। महाजन सभा कठुआ तो कुलदीप कुमार महाजन जी, पठानकोट कॉलेज ऑफ एजुकेशन को आया प्रस्ताव आया, धन्यवाद उन्हों का। अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल उन्होंने प्रस्ताव भेजे। आई टी शोक सभा के बड़े ही महानुभाव इतने आए ने, सब का जिमें ना लगा तो रात पै जाएगी, समय की पाबंदी समझते हुए सब तो पहला मैं बेनती कर रहा
श्री सत्य साई सेवा समिति ऑर्गेनाइजेशन पंजाब मनिंदर सिंह जी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट को बेनती करता कि अपने सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारी पूरी इंडिया में क्योंकि हजारों ही समितियां हैं तकरीबन हरेक कोने कोने में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं समितीज हैं आज बहुत ही बड़ा नुकसान हमारे लिए हुआ। दीनानाथ महाजन जी के बारे में एक बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास जो उन्होंने कार्य किए जो उन्होंने काम किए और इसकी वजह से गुरदासपुर में नहीं पंजाब में नहीं पूरे इंडिया में जब फोटो प्रति हम जाते थे तो लोगों को पता था ये क्या काम कर रहे हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी रामायण की याद आ रही है। रामायण के अखीर में विभीषण ने भगवान राम को कहा कि कोई भी काम होता है तो आप हनुमान को क्यों बुलाते हो, कोई भी बात होती है तो हनुमान से क्यों पूछते हो, हम भी भगवान का नाम लेते हैं। तो भगवान चुप रहे, उन्होंने बोला कि हनुमान से पूछो। तो जब विभीषण ने हनुमान से पूछा कि क्या बात है कि आप ही को इंपॉर्टेंस मिलती है तो नाम मैं भी बहुत लेता हूं भगवान का, पाठ मैं भी बहुत करता हूं, पूजा मैं भी बहुत करता हूं, तो हनुमान ने कहा मैं भगवान का काम करता हूं, मुझे ज्यादा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी हुक्म होता है मैं करता हूं। आज मुझे याद यही बात आ रही है, जब भी हमने मीटिंग करनी कुछ प्लानिंग करनी तो मुझे वो कहते थे छोटे भाई ज्यादा लंबी मीटिंगें मत करो, मुझे काम की बात बताओ, मैंने तो काम ही करना है। तो आज हमारे बीच ये ऐसे हनुमान थे कि जिन्होंने कोई भी कार्य होना जब पुट्टपर्ती में कैंप लगा आर्टिफिशियल लिम्स का तो उन्होंने पूछा, डॉक्टर्स राजस्थान से आए थे और मुझे कहा था ऐसा कैंप हम क्यों नहीं लगा सकते, कहते तुम सोचते ही रहो मैंने जाके गुरदासपुर में लगा देना है। और जैसे भाई साहब ने कहा कि 21 साल हो गए हर एक साल कैंप लगाया और एक दिन कोई स्पीच दे रहा था मेरे जैसा कि ये बहुत सारे गरीब लोग आए हैं इनके अंग लग रहे हैं, तो वो मुझे कहता कि इनको गरीब मत कहो, ये तो भगवान का रूप है जो मेरे पास आया, आज साक्षात भगवान मेरे घर आए, देने वाला भी भगवान है लेने वाला भी भगवान है, लिम्स लगाने वाला भी भगवान है और जिसको लिम्स लग रहे हैं वो भी भगवान है। ऐसी सी सोच, ऐसा इनका स्पिरिट मैं ये कहूंगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और बहुत बड़े एग्जाम्पल रहेगी। अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो कभी पंजाब को ड्यूटी लगती थी कैंटीन की बैंगलोर जाके और कभी कभी वहां 1-1.5 लाख का कट होता था तो मैं महाजन साहब से कहता था महाजन साहब प्लानिंग क्या है, कहते प्लानिंग छोड़ो मेरे तरफ बताओ क्या चाहिए, कितने ट्रक अनाज के बेचने हैं और चुपचाप ले जाओ यहां से। कभी उन्होंने नाम नहीं अपना रोशन किया, कभी उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं करवाई, बैंगलोर जाकर भी नहीं कभी कराई। एक बार इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ जहां इंडिया और एक इंटरनेशनल टीम थी तो वहां ड्यूटी हमें खाने की लगी तो दीनानाथ जी कहते हैं ये सारा का सारा कार्य मेरी तरफ से, और वहां प्लेयर्स भी आए हुए थे, प्लेयर्स का खाना स्पेशल था, आम लोगों का लंगर भी था, तो सारा का सारा। और वो कहते थे यार क्यों बताना चाहते हो उसे, मैंने कर दिया क्वाइटली कर दिया। ये बहुत बड़ी सिद्ध थी उनकी, बटाले में मंदिर बना, आज हमारे साथ हमारे ट्रस्ट मेंबर रतन सोनी जी आए, बटाला समिति से जितेंद्र जी आए, सलारिया साहब सुजानपुर से पठानकोट से जो हमारी समिति काम कर रही है, हमारे 2 फ्री स्कूल चल रहे हैं पंजाब में, एक हुशियारपुर में और एक पटियाले में, एक फ्री स्कूल शिमला के पास है अभी वो फ्री नहीं है, बोर्ड एंड लॉजिंग के लिए पेमेंट होती है, तो शिमला के स्कूल में भी क्वाइटली हमें मालूम भी नहीं पड़ता था दीनानाथ महाजन जी अपना योगदान जाके क्वाइटली डाल देते थे। जब भी कैंटीन लगी पंजाब की पुट्टपर्ती में तो हरेक कैंटीन में इनका योगदान बहुत बड़े पैमाने में था। हमारा कोई भी और काम पंजाब में होना, पंजाब की मीटिंग कभी भी होनी तो यही कहते थे कि लंबी मीटिंगें मत करो, काम की बात करो और खत्म करो, हम जाके अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे। जो आर्टिफिशियल लिम्स का जो कार्य था
वो मेरे ख्याल कभी भी किसी ने हिम्मत ही नहीं की करने की जो गुरदासपुर में दीनानाथ महाजन जी ने बड़े आराम से कर देनी और अकेले करनी। सबसे बड़ी यह बात है कि अकेले करनी, किसी से कुछ नहीं कहना, किसी से कुछ नहीं मांगना, जो उनके मन में आता था कर देना। ऐसा व्यक्ति जिसका योगदान मैं हैरान हूं महाजन सभा में, सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक संस्था के साथ वो हमेशा प्यार देते थे कुछ भी कार्य जो समाज का हो। और आज वो ही कमाई हमारा बेटा, उनका बेटा मोहित जी को सारी जिंदगी के लिए और कई पुष्ट दर पुष्ट ये कमाई खाते रहेंगे जो दीनानाथ महाजन जी एक इंसान है। वो कमाई है, वो उनका बैंक बैलेंस है। मैं उस बैलेंस की बात नहीं करना जो यहाँ कहीं होगा, मैं उस बैलेंस की बात कर रहा हूँ जो लोगों को ऐसा योगदान किया। और मुझे कहते थे कि गरीब वो इंसान नहीं जिसको जरूरत है, गरीब वो इंसान है जिसने आर्थिक सेवा ना की। अमीर वही इंसान है जिसने अपने से हैसियत से ज्यादा काम किया हो, अपने हैसियत से ज्यादा लोगों की सेवा की हो। ऐसा सा शख्स हमारे बीच हमेशा रहेगा, वो कहीं नहीं गए, हमारे साथ रहेंगे। उनकी विचार, उनकी स्पिरिट, उनकी सोच हमारे हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी। ओम साईनाथ। सरदार मनिंदर सिंह जी ने बड़े शानदार शब्दों के नाल महाजन साहब के जोड़े पल बिताए ने उन्होंने वर्णन किया। मैं ये गल कहना चाहवागा कि असी भी अपने जीवन के बड़े लाले सेठ दरडे लोग देते हैं, लेकिन इस तरह का लाला असी नहीं देखा। एक बड़ा दमी लाला असी भी देखा जो कोई आप आती से असी संसार सोच के चलते सी भी इन्ना इन्नी की सहायता इन्नी की आशिक सबके लिए रहे, पर खुले मन के नाम दान करते से। जे प्रभु जी ने अपार कृपा से और उनका मन भी बहुत दानी और बहुत खुला से। हूँ मैं बेनती करता जो उन्होंने प्रेजिडेंट जेल के डॉक्टर महेश गुप्ता जी, जो अखिल भारतीय पंजाब अखिल भारतीय महाजन श्रोमणी सभा से है, वो अपनी श्रद्धांजलि दें महेश गुप्ता जी। अब बड़े महानुभाव इतने आए हैं, मैं सबको बेनती करा कि पुष्पांजलि मैं ना बोलागा, पुष्पांजलि जरूर कर। मास्टर मोहनलाल जी, एक्स मिनिस्टर पंजाब सरदार गुरभजन सिंह खोपेहाली जी, एक्स एम एल ए गुरदासपुर नरेश महाजन प्रेजिडेंट नगर पालिका बटाला, रौन पहल जी, श्री बालकृष्ण मित्तल जी, धन्यवाद ज्योति जी। मैं महेश गुप्ता आज अखिल भारतीय महाजन शिरोमणि सभा की तरफ से अपनी संवेदनाएं पूरी बिरादरी की तरफ से श्रद्धांजलि लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आपको सबको मालूम है कि लगभग 5 वर्षों के लिए लाला दीनानाथ जी अखिल भारतीय महाजन शिरोमणि सभा के प्रधान हैं। श्रद्धांजलि में ज्यादा समय नहीं होता, क्योंकि अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो वो खुशामद नजर आती है, और कम बोलते हैं तो वो शख्सियत के साथ ज्यादा भी होती है। मैं उतना ही बोलूंगा जितना मेरे अधिकार क्षेत्र में है। मैं ये समझता हूं कि हमने जो ऑबिचुरी कल जम्मू में छापी थी उसमें 2 शब्दों में लाला जी की शख्सियत को हमने बयान किया था, क्योंकि ज्योति जी ने जितने शोक प्रस्ताव पढ़े या जिनकी संस्थाओं से ये शोक प्रस्ताव आए हैं, मुझे जरूरत नहीं है उनकी शख्सियत के बारे में ज्यादा कहने की। आपको स्वयं यह विदित हो गया होगा कि लाला जी अपने आप में कितनी बड़ी शख्सियत है। हमने 2 लाइनें कही थी अपनी अभिचुरी में कि मौत वही है जिस पे जमाना करे अफसोस,
मौत वही है जिसके जमाना करे अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए मरने के लिए। लाला जी वो लोग थे जिस पे आज इतनी बड़ी संगत यहां बैठी हुई है। इस चीज की परिचायक है कि लाला जी की शख्सियत कितनी महान थी। कितने लोग आ चुके होंगे इससे पहले, क्योंकि आज समय का अभाव रहता है, कोई सब यात्रा में आता है, कोई उसके बाद उनके घर में अफसोस करने आता है, उसके बाद दसवां होता है, फिर और चार हमारे अनुष्ठान होते हैं, लोग आते रहते हैं। लेकिन यहाँ की हाजिरी भी ये बता रही है कि लाला जी की शख्सियत कितनी बड़ी थी। दूर दूर से हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, और मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं लाला जी की सिर्फ एक चीज पर आपको ले जाना चाहता हूं, क्योंकि एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा है कि हजारों साल दोहराती है दुनिया जिसके अफसाने, हजारों साल दोहराती है दुनिया जिसके अफसाने, वो खुद इंसान नहीं इंसान का किरदार बनता है। लाला जी के किरदार की मैं बात करूंगा, और किरदार बनाने के लिए या किसी किरदार के बनने के पीछे सिर्फ एक चीज होती है, वो उसकी सोच होती है। लाला जी की सोच के बारे में बात करूंगा कि उनकी सोच कितनी बड़ी थी कि उन्होंने जो प्रोफेशन चुना, दुनिया में लाखों करोड़ों प्रोफेशन है, उन्होंने अपने नाम का अर्थ बड़ी अच्छी तरह से जान लिया था। दीनानाथ, जो दीनों का नाम है, अनप्रिविलेज्ड लोगों का जो मसीहा है, उन्होंने सोचा दीनानाथ पैसे कमाएगा, अपने परिवार को खिलाएगा, उसके बाद इस दुनिया से चला जाएगा। तो क्या किया, ये तो सारे लोग करते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र को चुना, शिक्षा के क्षेत्र को चुना, ताकि अगर मैं दीनानाथ अपने जैसे कुछ दीनानाथ इस संसार को दे जाऊंगा तो संसार का भला हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। किसी शास्त्र को उठाइए, किसी ग्रंथ को उठाइए, गुरु, गुरु की अपनी महिमा है। ईश्वर के बाद अगर कोई नाम है दुनिया के अंदर तो वो गुरु है। तो उन्होंने ये गुरुत्व संभाला उदाहरण के लिए, वो प्रकट नहीं हुए, वो सबके सामने नहीं आए। मेरे ये दो मिनट का एक सबसे प्रस्ताव है कि हम सब खड़े होकर एक बार लाला दीनानाथ चट्टोपाध्याय का नाम लगाए, ताकि हमें उनको पता लगे कि जो लोग मेरे सुख करने के लिए यहाँ आए थे वो सब कुछ मेरे चाहने वाले थे। मेरी आपसे विनती है कि आप सब खड़े होकर, सेवा भारती गुरदासपुर
इसलिए आर्य समाज गुरदासपुर, भारत विकास परिषद गुरदासपुर, जी आर मित्तल डीएवी पब्लिक स्कूल बाबकिशन मित्तल जी वालों, महाजन सभा चंडीगढ़ को प्रस्ताव आया, यादगार रफी सोसायटी उन्होंने प्रस्ताव आया, स्वामी स्वतंत्रतानंद मेमोरियल कॉलेज दीनगर को, श्रीमती धनदेवी पब्लिक स्कूल गुरदासपुर को, राम मंदिर मैनेजमेंट कमेटी गुरदासपुर को, भारत विकास परिषद गुरदासपुर, जम्मू सेंट्रल महाजन सभा के बाद जम्मू को, दशहरा मेला कमेटी गुरदासपुर को, अमृतसर महाजन श्रोमणी सभा, पंजाब महाजन सभा वालों पी जी महाजन जी उन्होंने बेनती करा दो मिनट ले सब भाई बहन एक ऐसी महान विभूति को, एक ऐसी महान शख्सियत को, एक ऐसी पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं तो कहूंगा कि वो इंसान नहीं फरिश्ता था। जब महाजन भवन हरिद्वार बनने जा रहा था, सबसे पहले इन्होंने कहा कि भवन में मंदिर बनेगा, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा। हमारी मथुरा सभा के कई साल ये प्रधान रहे। एक बार हम दिल्ली मीटिंग में बैठे थे तो मुझे कहने लगे, विजय जी आप, मुझे भी कुछ साल इनके साथ काम करने का मौका मिला तो मुझे कहने लगे कि आप संघ के स्वयंसेवक हो। मैं क्या, हाँ जी। तो ये क्या हो रहा है कि सब चीजें बाहर से आके बिक रही हैं। मैंने कहा क्या मतलब, कि चाहे बच्चों के खिलौने हो, बिजली का सामान हो, ढोल हो, पतंग हो, ताले हो, कुछ भी हो, गाड़ियां हो या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आज हमारी सरकार के कान खुले। ये कितने साल पुरानी बात है जब उन्होंने कहा था। तो भाइयों, मैं तो कहूंगा कि ये संकल्प दिवस के रूप में हमें मनाना चाहिए था कि जो उनकी सोच थी, जो उनका चिंतन था, आज जरा सोचे और उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम एक दो आइटम पर तो विश्वास करें। तो मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि मोहन जी, आपका इतिहास स्वर्णम गोल्डन इतिहास है, आपके पिताजी गोल्डन इतिहास तो हम भी आपके साथ श्रोमणी महाजन सभा, चाहे पंजाब हो, चाहे अखिल भारतीय हो, चाहे सेंट्रल महाजन सभा पठानकोट हो, हम आपके साथ हैं, हर वक्त आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जिले भर तो म्यूनिसिपल कमिश्नर भी इतने आए हैं। मेरी नजर पै रही है विकास गुप्ता जी, सुखदेव जी, श्रीनगर को सारे नगरपालिका प्रधान हैं, बटाला तो सारे कौंसलर हैं, सब का प्रमान करता है, दर्शन महाजन जी आए थे, रणजीत सिंह लाला जी, अनु मनोहरा, रमेश खरी जी, सब को मैं माफी मंगता है। हूँ मैं महाजन साहब, सबको पता है कि पूरा जीवन उन्होंने सगन दिता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सगन दिता, सब को सा उन्होंने साथी जिन्होंने नाम उन्होंने काम किया, उन सब साथियों को मैं बेनती करा कि पंजीकरण श्री पुरशोत्तम जी प्रधान प्रचारक, प्रमोद जी प्रधान प्रचारक, पुरशोत्तम जी विभाग प्रचारक को बेनती है कि क्या पंजीकरण विजय जी विभाग का विभाग विभाग संचालक उन्होंने बेनती है, रजनीश जी मल्होत्रा जी नगर संघ कार्यवाह, फिर विक्रम जिला कार्यवाह, दीपक जी
रहे वो लेकर जिस मिशन पे चले थे, आज वो मेरे बड़े भाई मुझे सामने नजर नहीं आ रहे हैं, केवल उनका चित्र नजर आ रहा है। भाइयों बहनों मैं क्या बताऊं, बहुत से लोग मुझसे परिचित होंगे क्योंकि मैं जहां इनकम टैक्स ऑफिसर था उसी दौरान महाजन साहब से मेरा कहन परिचय होगा। परिचय भी एक सबक था, वो था उनका चिन्ह सत्य साई की ओर बोर्ड। मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है आज वर्किंग डे है, आपने सभी ने अपने अपने काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ही कहूंगा कि 1990 का वो साल था जिस दिन श्री दीनानाथ महाजन जी दीनानाथ महाजन से कन्वर्ट होकर दीन बंधु बने। वो श्री दीनानाथ महाजन जो व्यर्थ के अडंबरों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, उनकी जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया कि उन्होंने अपना सारा कुछ उसके लिए निशावर कर दिया। मैं ऑफिस से आता था, उनको पता था कि मैंने हनुमान चौक से निकलना है, वो खड़े हो गए थे श्री सत्य साई बाबा का चित्र लेकर। शर्मा जी ये सत्य साई बाबा है, मैं इनके बोर्ड में आया हूं, आप आइए और उनके भजन में सम्मिलित होती है। उन्नीस सौ पचानवे के अंदर मैं और श्री दीनानाथ जी कोटापर्ती गए, तो जैसा नरेंद्र जी ने पहले ही आपको बताया कि वहां हैंडीकैप कैंप लगा हुआ था, उन्होंने कहा शर्मा जी सबसे पहले जाकर हम यही काम करेंगे। जब गोल्ड रेंडी ने काम स्टार्ट किया, मैं ऐसे काम में जाऊं, लेकिन वो बड़े भाई थे, उनका आदेश के लिए सर्वोपरि था, वो कहने लगे शर्मा जी गोल्ड रेंडी को उनको संभाल। और ये लक्ष्य था उनका कि कोई भी गरीब बच्चा जो हायर एजुकेशन लेना चाहता है लेकिन उसके पास समर्थ नहीं है, उसको फ्री ऑफ कास्ट अगर वो कुछ दे सकता तो दे दे, नहीं तो फ्री ऑफ कास्ट। और यही कहते थे कि शर्मा जी कोई समाज का बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो शिक्षा से वंचित ना रहा। भाइयों उनकी कहानी इतनी लंबी है कि मैं दो दिन पढ़ने भी लगा हूँ क्योंकि मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस उनके शेयर होते रहते थे, तो मैं क्या बयान नहीं कर सकता। आप अपना सभी भाई और बहने अपना काम छोड़कर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भिन्न भिन्न जगह से आए हो, हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दूर दराज से लोग श्री किशोर काम की श्री प्रमोद जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। इसके अलावा विभिन्न विभिन्न संगठनों से बहुत से लोग आए हुए हैं, मैं अंदर और उनके बड़े मनोहर सपुत्र जो अपने पिताजी के नक्शे कदमों पे चलते हैं श्री मोहित महाजन जी, उनकी तरफ से भी आप सबका धन्यवाद करता हूँ।
इस शो की कड़ी में आप हमारा रानक बनाने के लिए आए हो। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि किन शब्दों से मैं आपका धन्यवाद करूं। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ क्योंकि समय आगे ही बहुत हो गया है, मैं एक बार फिर आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि समाज के अंदर अगर वो डीडी है, अगर किसी को किसी भी तरह की जरूरत है तो वो कृपया जब मर्जी जिस समय चाहें श्री मोहित महाजन जी या गोल्डन शिक्षा संस्थान के पास आ सकते हैं, उनके हर प्रकार से सहायता की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं सब का धन्यवाद करते हुए सबको बेनती करता कि प्रसाद ग्रहण करके जरूर जाए, प्रसाद लगे बिल्कुल पीछे और थोड़ा बाहर प्रसाद ग्रहण करके जाए।